उधर विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी पी टी आई को मुल्क दुश्मन सियासत पर कौम से मुआफ़ी मांगना होगी। 9 मई में मुलविस जमात के साथ उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। कहा पी टी आई का सोशल मीडिया सेल पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, उन्हें SC NRO नहीं मिलेगा। विफाकी वजीर ने कहा कि नवाज शरीफ ने हुकूमती अखराजात कम करके बिजली बिलों में रिलीफ देने और बल्दियाती निज़ाम में इस्लाहात की हिदायत की है। नवाज शरीफ का लंदन जाने का अभी कोई हतमी प्लान नहीं है। मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। सदर जनाब नवाज शरीफ साहब ने हदायत की आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए दोनों वफाकी और सूबाई अपने अपने अखराजात बारीकी के साथ पड़ताल करें। वही लोग चीख रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। एक अनाड़ी ने, एक ना तजुर्बेकार ने अपनी ना तजुर्बेकारी से उजाड़ा। इमरान खान को हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5-स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती है। वो तो मौज में है बॉडी, कभी अमेरिका के पांव पकड़ते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा, आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये जुर्म किया है तो आपको अपने करतूतों की और अपने इन जराइम की सजा के लिए तैयार होना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। उधर विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी पी टी आई को मुल्क दुश्मन सियासत पर कौम से मुआफ़ी मांगना होगी। 9 मई में मुलविस जमात के साथ उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। कहा पी टी आई का सोशल मीडिया सेल पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, उन्हें SC NRO नहीं मिलेगा। विफाकी वजीर ने कहा कि नवाज शरीफ ने हुकूमती अखराजात कम करके बिजली बिलों में रिलीफ देने और बल्दियाती निज़ाम में इस्लाहात की हिदायत की है। नवाज शरीफ का लंदन जाने का अभी कोई हतमी प्लान नहीं है। मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। सदर जनाब नवाज शरीफ साहब ने हदायत की आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए दोनों वफाकी और सूबाई अपने अपने अखराजात बारीकी के साथ पड़ताल करें। वही लोग चीख रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। एक अनाड़ी ने, एक ना तजुर्बेकार ने अपनी ना तजुर्बेकारी से उजाड़ा। इमरान खान को हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5-स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती है। वो तो मौज में है बॉडी, कभी अमेरिका के पांव पकड़ते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा, आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये जुर्म किया है तो आपको अपने करतूतों की और अपने इन जराइम की सजा के लिए तैयार होना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते।